ओके थैंक यू। सो मैं अपना अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा नाम सौरव कुमार सिंह है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन NIT वारंगल से किया है। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट किया था, और मैंने 2018 में ही गेट में ऑल इंडिया रैंक वन सिक्योर किया, और मैं 2018 से इंडियन ऑयल में जॉब कर रहा हूँ, और मैं अभी कोलकाता में ही पोस्टेड हूँ। और तो मेरा जो रहेगा, ये स्टार्ट मैं करूँगा कि मैं कौन कौन सा रिफर किया था मटेरियल किस सब्जेक्ट के लिए, फिर मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा लगा मेरे प्रिपरेशन टाइम में। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सा बुक रेफर किया, क्या मटेरियल रेफर किया, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को देखना है, फिर क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैंने कैसे उस चीज को फॉलो किया, कैसे मैंने अप्रोच किया कि कैसे क्या पढ़ना है। उसके बाद लास्टली आप लोग क्या कहते हैं, ये कंप्लीट होने के बाद मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपको गेट रिलेटेड या फिर PSU रिक्रूटमेंट रिलेटेड, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मुझे थोड़ा MTech एडमिशन के बारे में उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया था MTech के लिए, क्योंकि ऐसे मुझे लग रहा है यहाँ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं और फाइनल ईयर के भी। तो मैं पहले बता देता हूँ गेट के थ्रू होता क्या है। गेट के थ्रू आइदर या फिर MTech कर सकते हो IITs और ISC या NITs से, या फिर आप PSU में ज्वाइन कर सकते हो, लाइक इंडियन ऑयल, बार्क या DRDO ETC। तो मैं पहले आप सिलेबस देखे होंगे, तो अगर नहीं भी देखे होंगे तो मैं बता देता हूँ कि पांच चीजें हैं मेटलर्जी में पढ़ने के लिए, मेन मैकेनिकल, फिजिकल, थर्मो, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सट्रैक्टिव। तो फर्स्ट मैं आपको मैकेनिकल के बारे में बताता हूँ। मैंने मैकेनिकल डीटर से पढ़ा था। डीटर इज द बेस्ट, आई थिंक आपको कोई जरूरत नहीं है और कुछ पढ़ने का। डीटर आप थियोरेटिकल के लिए रख सकते हैं, आप सिर्फ डीटर ही पढ़िए मैकेनिकल के लिए। मैं बाकी कुछ रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोग को, क्योंकि बाकी कोई अच्छी बुक है भी नहीं मैकेनिकल के लिए। और न्यूमेरिकल मैंने सारे मैकेनिकल मेटलर्जी के कैलिस्टर से किया था सारे। अगर आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस जो आए हैं 1920 में, क्योंकि मैंने जो देखा था, मैंने जो प्रीवियस ईयर फॉलो किया था, सारे क्वेश्चन मेरे कैलिस्टर से बन जा रहे थे। अगर आपको नहीं लगता तो आप डीटर के भी प्रॉब्लम्स हैं पीछे, क्या कहते हैं, हर एक चैप्टर्स के लास्ट में डीटर के, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सेकंड आपको मैं फिजिकल के बारे में बताता हूँ। फिजिकल मैंने सिर्फ कैलिस्टर पढ़ा था, थ्योरी थ्योरी के लिए कैलिस्टर। आप घी राघवन फर्स्ट चैप्टर प्रेफर कर सकते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में थोड़ा कैलिस्टर कम दिया हुआ है, तो आप घी राघवन वहां प्रेफर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल मैंने फिर कैलिस्टर ही प्रेफर किया था। और थर्मोडायनेमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे ही आता है। थर्मोडायनेमिक्स के लिए मैंने गास्केल पढ़ा था। हीट ट्रांसफर के लिए मैंने मेड इजी की एक बुकलेट आती है मैकेनिकल की। आपका कोई मैकेनिकल, मैं इसके बारे में आपको बाद में बता दूंगा कि कैसे आपको ये मैकेनिकल का बुकलेट मिलेगा मेड इजी का। और मैंने क्या कहते हैं, फ्लूइड ट्रांसफर AK मोहंती करके बुक आती है, आपको आपके लाइब्रेरी में मिल जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग के लाइब्रेरी में थी वो मैंने एक ही दो चैप्टर पढ़ना है उसमें, सेकेंड और थर्ड। और मास ट्रांसफर भी उसमें लास्ट में, वो आपको देखना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग जो हुआ, कास्टिंग, वेल्डिंग, मैंने फिर से मेड इजी बुकलेट को प्रेफर किया था। और रोलिंग फॉर्जिंग जो है, रोलिंग फॉर्जिंग हो गया, वेंडिंग हो गया, ये सब जो भी चैप्टर्स हैं वो मैंने डीटर से प्रेफर किया था। और न्यूमेरिकल सारे मैंने मेड इजी से की थी, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं मेड इजी के मैकेनिकल के, क्योंकि मैकेनिकल का मैन्युफैक्चरिंग सिलेबस हम लोग का सेम है। हीट ट्रांसफर लिख दीजिए या फ्लूइड ट्रांसफर ले लीजिए। और क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्टिव आप NPTEL कर सकते हैं, स्टील मेकिंग बेस्ट है वो। क्या कहते हैं, वहां पे आपको सीधा जाइएगा, NPTEL का आपको वीडियो लेक्चर नहीं करना है। NPTEL में एक आएगा आपको स्टील मेकिंग, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा किसी के थ्रू। आपका नाम क्या बताया आपने एडमिनिस्ट्रेटर ने आपका? मुदित अग्रवाल। हाँ मुदित अग्रवाल, मैं आपका मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप एक ग्रुप फॉर्म कर देना या फिर जो भी हो, मैं आपको सब कुछ शेयर कर दूंगा, ठीक है, जो जो मैं बोल रहा हूँ, ये आप लोगों को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं बस आपको एक बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आयरन मेकिंग आप टुपकड़ी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे टाइम में आयरन मेकिंग का NPTEL पे कोर्स बन ही रहा था, वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अभी आप चेक कर लीजिएगा। मैंने चेक नहीं किया है कि आयरन मेकिंग का NPTEL पे कोर्स है कि नहीं। बाकी नॉन फेरस HS-RE से मैंने पढ़ा था। मैथ्स एप्टीट्यूड आपको सिर्फ मेड इजी बुकलेट आएगी, उससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। मैथ्स बहुत इजी आती है मेटलर्जी के लिए, बाकी सारे ब्रांच के लिए इजी आती है मुझे लगता है, एप्टीट्यूड भी बहुत इजी आती है। और एक एप्टीट्यूड के लिए है परीक्षा.com करके, उसपे क्या है ना कि आपको टेस्ट भी रेगुलर होते हैं, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट होते हैं, वो फ्री वेबसाइट है वो आपका क्या होगा कि आपका गेट का भी तैयारी होगा उसके साथ, परीक्षा.com पे आप एप्टी करेगा तो, और आपके प्लेसमेंट्स में भी बहुत हेल्प करेगा वो चीज। और टेस्ट सीरीज आप कैरियर रेवेन्यू मैंने दिया था,
आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं आजकल, कैरियर एवेन्यू है, टेस्ट योर सेल्फ है, बाकी कुछ नए कोचिंग्स भी आए, मुझे आइडिया नहीं उसका, लेकिन मैंने कैरियर एवेन्यू किया था, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने टेस्ट योर सेल्फ किया था, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, अगर आपको दोनों करना है तो आप दोनों भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये तो बेसिक था कि मैंने क्या फॉलो किया, ये सारे लिस्ट मैं आपके इनके थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू मैं क्या कहते हैं आपको शेयर कर दूंगा कि मैंने क्या क्या फॉलो था, क्या क्या जो जो बोला। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर आपको लास्ट 15 ईयर्स के एकदम करना है। आप अभी स्टार्टिंग में तो आप पेपर जैसे मैकेनिकल पढ़िएगा तो मैकेनिकल का एक पार्ट आएगा, मेरे हिसाब से एक टेस्ट योर सेल्फ के फाउंडर का बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर पेपर का, वो आपको मिल जाएगा अमेजोन पे या फिर कहीं भी, नहीं भी मिलेगा तो उनके वेबसाइट पे मिल जाएगा मुझे लग रहा है, कुछ परचेज करना होगा आपको। तो आप मैकेनिकल पढ़ के तुरंत मैकेनिकल मेटलर्जी के क्वेश्चंस करिएगा और लास्ट में 30-45 डेज पहले एग्जाम के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एज अ एग्जाम दीजिएगा लास्ट 15 ईयर्स के, जैसे 2004 का फुल पेपर हो गया, 2005 का फुल पेपर अप टू 2020 तक, क्योंकि जो भी 2021 अटेम्प्ट कर रहे हैं या 22 अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप वो फील होना चाहिए कि कैसे एग्जाम देना है। टेस्ट सीरीज तो आपको हेल्प करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर पार्ट वाइज कर लिए तो आपका हो गया। आप 2004 का पेपर उठाइए फुल पेपर, 2005 का, ऐसे करते करते आप सबको टेस्ट वाइज दीजिएगा एकदम सीरियसली 3 घंटे के साथ बैठ के, क्योंकि वही आपका रैंक लाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत, क्योंकि कंसेप्ट कोई चेंज नहीं कर सकता है। और जब भी आप न्यूमेरिकल करिए किसी भी, तो आप वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करिए, क्योंकि ये जो हम लोग के पास कैलकुलेटर होता है साइंटिफिक, वो बहुत अलग होता है यूज करना गेट में, क्योंकि उसके कारण बहुत सारा आपका मार्क्स कम हो सकता है। मैं बता रहा हूँ कुछ मेरे सीनियर्स का इसी कारण मार्क्स बहुत ज्यादा कम हो गया था, क्योंकि वो वर्चुअल कैलकुलेटर प्रैक्टिस नहीं किए थे और यूज ही नहीं कर पा रहे थे। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप सोचिए एक महीने पहले मैं प्रैक्टिस करूंगा, आप अपना लैपटॉप खोलिए, माउस लीजिए, जैसे वहां रहता है पीसी वहां रहेगा, आपके माउस रहेगा हाथ में, आपको माउस से यूज करके कैलकुलेटर यूज करना है, आप उसी तरह से प्रैक्टिस करिए एकदम, ना कि मैं तो मोबाइल में भी प्रेफर नहीं करूंगा कि आप मोबाइल में गेट साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड करके, ऐसा मत करिए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में डाउनलोड करिए, आपको मिल जाएगा सीधा वर्चुअल कैलकुलेटर गेट डालिएगा, तो आप उसी से हर एक न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिए। और इधर ये नहीं है कि मतलब कि कुछ छोटा भी कैलकुलेशन है तो आप खुद से कर रहे हैं, मैं प्रेफर करूंगा कि आप जब आपको प्रोविजन मिला है कैलकुलेटर का तो वही करिए, क्योंकि छोटा ही कैलकुलेशन गलती होता है एग्जाम में, बहुत जगह 3x3 आप 6 लिख के आ जाते हैं, मैं खुद एक क्वेश्चन में कर गया था ये, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं किया था, सोचा क्या यूज करूंगा इसको, तो उसके कारण मेरा मार्क्स गया था वहां पे। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए, बिना टेस्ट सीरीज के रैंक नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ इंडिया में स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं सब टेस्ट सीरीज देते हैं, तो आपको पता चलेगा आप क्या गलती कर रहे हैं। आप टेस्ट सीरीज दीजिए, उसके बाद देखिए आप टेस्ट में क्या गलती की है, सब पूरा सॉल्यूशन बनाइए उसका, जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है उसको फिर नोट करिए कि क्या गलती हो रहा है, अगली बार उसको सुधारना है, फिर बिना टेस्ट सीरीज के ये पॉसिबल नहीं है। और एक और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि जिनका भी CGPA कम है तो ऐसा नहीं सोचिए कि आपका रैंक नहीं है, मेरा CGPA खुद बहुत कम था, मेरा आपको मैं बता रहा हूँ मेरा CGPA 6.9 है ओवरऑल, तो आप मैं ऐसा सोचता तो कभी रैंक नहीं ले पाता, क्योंकि आपको ये CGPA से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पैटर्न ही अलग होता है कॉलेज एग्जाम से, और क्या कहते हैं गेट एग्जाम बहुत अंतर है। तो ऐसा नहीं सोचना है, डिमोरलाइज नहीं होना है कि मेरा CGPA कम है तो मेरा रैंक कम आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, गेट को ऐसे कोई लेना देना नहीं है, आप बस 6.5 एंड अबव मेंटेन करिए, क्योंकि 6.5 क्राइटेरिया है PSC उसका, क्योंकि 6.5 से कम पे वो लेते नहीं है, मतलब इंडियन वाले तो नहीं लेता है, अगर आप कन्वर्जन क्राइटेरिया है तो आप उस हिसाब से 65% करके देख लीजिए, क्योंकि 65% से कम में कोई नहीं लेगा मेरे हिसाब से, मैक्सिमम एक साइज सेल लेता है 60% पे। तो और ये तो हो गए इम्पोर्टेंट, इतने पॉइंट्स आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वर्चुअल कैलकुलेटर, टेस्ट सीरीज, और क्या कहते हैं आप CGPA के बारे में फालतू सोचना बंद कर दीजिए। उसके बाद मैं बताऊंगा मेरा स्ट्रेटेजी क्या था, मैं कैसे अप्रोच करता था। मैं थ्योरी भी डेली पढ़ता था और न्यूमेरिकल भी डेली करता था, क्योंकि कुछ जैसे कि मैंने मैकेनिकल मेटलर्जी का कुछ पोर्शन पढ़ लिया, 4 पेज या 5 पेज लीटर का पढ़ लिया, तो मैकेनिकल मेटलर्जी मेरा जो पहले से पढ़ा हुआ है, मैं सेकंड चैप्टर पढ़ रहा हूँ लीटर का, तो फर्स्ट चैप्टर्स के मैं न्यूमेरिकल करता था शाम में, जैसे सुबह में से मैंने रात में पढ़ लिया, अगर कॉलेजेस है, जैसे आपका कॉलेज है तो आप शाम में ही पढ़ोगे सीधा बात है, तो कुछ एक घंटे में अगर मैं
थ्योरी पढ़ रहा हूँ तो लास्ट में मैं न्यूमेरिकल जरूर करूंगा। मैं ये बोलूंगा ये अप्रोच आप देखिए स्ट्रेटजी खुद का रखना है, मैं ये कहूंगा दूसरे का स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों साथ करिएगा तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि उससे आप तुरंत पढ़िएगा और तुरंत आपको समझ में आएगा कि आपको थ्योरी कहाँ अप्लाई करना है न्यूमेरिकल में, कौन सा फॉर्मूला है, क्या है क्या नहीं, आपको कॉन्सेप्ट्स भी बहुत क्लियर होंगे। और तो मैंने हर एक चीज ऐसे ही फॉलो की थी, parikshadotcom पे हमेशा मैं एप्टीट्यूड देता था, उसके हर एक संडे टेस्ट होते हैं TCS का, मतलब नाम ऐसे ही रहता है सेंचर ITs कंपनी के, उस पर टेस्ट होते हैं वो नाम से लेता है, तो वो आप टेस्ट दीजिए आपका एप्टीट्यूड एकदम अच्छा हो जाएगा, आपको दोनों में हेल्प करेगा। प्लेसमेंट से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया था एप्टीट्यूड parikshadotcom करने से। आप मेड इजी का बुकलेट ले लीजिए, आपको अमेजोन पे मिलेगा मेड इजी का बुकलेट, एप्टीट्यूड का भी और मैथ्स का भी दोनों का मिल जाएगा, तो वो दोनों आप खरीद लीजिए। मैथ्स एप्टी उससे ज्यादा करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, और मैंने आपको बताया ही है बुकलिस्ट सारा का मैं शेयर भी करूंगा, आप अपना स्ट्रेटजी खुद बनाइए मैं बोलूंगा। और टाइम जहाँ तक है वो 6 to 8 months विल बी एनफ, लेकिन मैं जनवरी से स्टार्ट किया था, जनवरी 2017 से, क्योंकि बात यह होता है कि आपका 2 months फिर इंटर्न आता है बीच में, थर्ड ईयर के लास्ट में सबको इंटर्न जाता है, तो वो 2 months आप नहीं पढ़ पाओगे ढंग से, तो 2 months वहां जाएंगे। कुछ प्लेसमेंट प्रेशर भी रहता है, प्लेसमेंट टाइम में आप प्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि गेट को थोड़ा सा तो पीछे आपको छोड़ना ही पड़ेगा, प्लेसमेंट भी रखना, ऐसा नहीं है कि आप गेट का तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेसमेंट ना जाइए, मुझे तो ऐसा गलत लगता है, क्योंकि कुछ गड़बड़ हुआ आजकल आप जान रहे हो, सीट्स बहुत कम आ रहे हैं PSUs में, तो एक बैकअप रखना जरूरी होता है कि आप एक बैकअप, ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट में ना जाए, प्लेसमेंट जाए, आपको खुद ब खुद गेट का तैयारी करिएगा तो आपका एप्टीट्यूड हो जाएगा, प्लेसमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और आपका टेक्निकल इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन फुल रहेगा, पूरा टेक्निकल आप गेट करिएगा तो आपका टेक्निकल तो कवर हो ही रहा है। तो ये सब तो हो गई, क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी हो गई, आपका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने क्या अपना स्ट्रैटेजी आप फॉलो करिए, आपको जब स्टार्ट करना है, लेकिन सेकंड ईयर स्टूडेंट प्लीज अभी आप लोग स्टार्ट मत करिएगा अगर आप यहाँ सेकंड ईयर स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप बोर्ड हो जाइएगा पढ़ने पर, फिर बाद में नहीं पढ़िएगा। आइदर थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट करना बेस्ट टाइम होता है, फर्स्ट सेमेस्टर से आप थोड़ा थोड़ा देखते रहिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या अप्रोच रहेगा आपको, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है आपका। जैसे कि मैं क्या करता था, डेली टारगेट रखता था अपना कि मुझे इतना पढ़ना है, क्योंकि उसी हिसाब से मैं पढ़ता था, और ऐसा नहीं है कि अनरियलिस्टिक टारगेट बना लीजिए, मैं स्टार्टिंग में अनरियलिस्टिक ही टारगेट बनाता था, जो पूरा नहीं होता था फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा कि मैंने टारगेट पूरा नहीं किया, तो ये सब नहीं, सिर्फ रियलिस्टिक टारगेट रखिए, डेली टारगेट्स रखिए, क्या कहते हैं उसको आप पूरा करिए, 6 to 8 months विल बी एनफ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से करिए, टेस्ट सीरीज अच्छे से दीजिए, आप बहुत अच्छा रैंक लाओगे। तो ये मेरे तरफ से ये सब है, और अब मेन यही कि इंट्रैक्शन ही मेन है, आप पूछिए क्या क्या आपको दिक्कत आ रही है, क्या क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सब लोग एक काम कर सकते हैं कि चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन बोलते रहेंगे, तो मैं काम करूंगा पूछता रहूंगा भैया से, तो सब लोग अपना अपना चैट बॉक्स में क्वेश्चंस डालते रहिए, मैं पूछता रहता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो आपको गेट रिलेटेड और PSU रिक्रूटमेंट रिलेटेड भी, कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो भैया मेरा एक क्वेश्चन था, पर्सनल क्वेश्चन है कि मतलब जो प्रॉब्लम होता है, जो जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में सबको प्रॉब्लम होता है, मानता हूं, तो थर्मोडायनेमिक्स में कैसे फोकस करें और कैसे प्रिपेयर करें, मतलब थर्मोडायनेमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, मतलब ढंग से उसका गाइडेंस नहीं मिलता और बहुत मुश्किल होता है उसको पढ़ने में, और ये मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम है, और इसलिए वो लोग का सारा सब्जेक्ट वीक हो जाता है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से कहीं ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री लिंक्ड होता है, कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी लिंक्ड होता है, तो ये वाला प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। देखो थर्मोडायनेमिक्स में क्या था, मैं पहले एक कोई रेड कलर की बुक थी वो फॉलो करता, तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आता, तो मतलब उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं बनते थे, लेकिन आप गास्केल पढ़ो, स्टार्टिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, आप गास्केल पढ़ो, गास्केल से आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एकदम, मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट उठा के वही क्वेश्चन डाल देते हैं ये लोग थियोरिटिकल पार्ट में, न्यूमेरिकल पार्ट में भी जो उनके सॉल्व एग्जांपल से कुछ, देखिए उनका उनका बहुत हाई लेवल का बुक है गास्केल, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे कुछ बड़ा न्यूमेरिकल है ठीक है, उसका वो एक पार्ट उठा के दे देते हैं उसका बस, जैसे कि ABCD रहता है गास्केल में, तो उसका ए पार्ट दे दिए आपको एग्जाम में गेट में, क्योंकि आजकल न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो लोग एग्जाम्स में, तो आप गास्केल को करिए ठीक है, गास्केल का थ्योरी पढ़िए, आपका एक बुक आएगी SK दत्ता, रेड कलर की है, सिर्फ उसमें एक्सट्रैक्टिव और थर्मोडायनेमिक्स है, वो क्या कहते हैं मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, वो आप नोट करने जो होते हैं मैं आपको शेयर करूंगा, वो SK दत्ता आप
थ्योरी पढ़िए या तुरंत न्यूमेरिकल करिए एसके डाटा से, आप बता रहा हूँ आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर नहीं होता है तो मुझे जितना मैंने फॉलो नहीं किया था, क्योंकि मैं सुनता हूँ कि एनपीटीएल पे थर्मोडायनेमिक्स के जो एक टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, वो शायद आईआईटी कानपुर के हैं, आप उनको भी प्रेफर कर सकते हैं। आपको जो चीज समझ नहीं आ रहा है गास स्केल में, आप एनपीटीएल पे देख लीजिए, या फिर इधर आप ये कर सकते हैं कि मैकेनिकल का बहुत गाइडेंस है, मैकेनिकल का थर्मोडायनेमिक्स तो मैक्सिमम जगह सेम ही है, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। क्या कहते हैं कि आप मैकेनिकल का देख लीजिए, कहीं मैकेनिकल का बहुत गाइडेंस है, मानता हूँ मेटलर्जी का बहुत कम गाइडेंस रहता है, लेकिन मैकेनिकल का थर्मोडायनेमिक्स का बहुत गाइडेंस है, तो आप गास स्केल करिए, थ्योरी पढ़िए, उसके बाद तुरंत आप क्या कहते हैं एसके दत्ता जो बुक है उससे आप न्यूमेरिकल करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एनपीटीएल एक बार रेफर करके देख लीजिए। एनपीटीएल का जो लेक्चर्स है वो कौन सा लेक्चर्स मतलब देखिए आप बताइए, मतलब देखो मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे एक बार चेक करना होगा, मैं आपको लिंक वो भी शेयर कर दूंगा जो रिलेवेंट होगा एनपीटीएल पे, वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ओके ओके ओके, गास स्केल बाइबल है, गास स्केल एकदम आप पढ़ो, आपका सारा सॉल्यूशन होगा थर्मोडायनेमिक्स का, बहुत अच्छा वो दिया। स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लगेगा, बहुत ज्यादा फॉरेन का है, फॉरेनर राइटर का है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप एक बार उसको थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो सेकंड टाइम से सब कुछ आपको समझ आने लगेगा, उसने बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किए हुए। और एक क्वेश्चन है कि आप बैलेंस कैसे करते थे, मतलब कॉलेज और इधर गेट का पढ़ाई को बैलेंस कैसे करते थे, फिर कॉलेज में इतने सारे इवेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते थे कि नहीं, तो ये वाला चीज का पूरा बैलेंस करना बहुत वो कैसे करते थे आप, मतलब हाँ वही बोला ना आपको, इसलिए मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था, मैं बोला ना 6 months इज एनफ फॉर गेट प्रिपरेशन, बट मैंने 6 months एक्स्ट्रा लेके चला था क्योंकि मेरा इवेंट्स है, मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलता हूँ, मैं हर एक क्रिकेट का क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करता था, बहुत क्रिकेट इवेंट्स होते थे मेरे कॉलेज में, तो वो सब भी छोड़ना नहीं है कि मतलब भरे हुए लगे हुए सिर्फ पढ़ने में, तो ऐसा नहीं होता है, आपको क्रिकेट भी आप खेलते रहो, इवेंट में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि प्लेसमेंट यही सब चीज कराता है, आप मगअप कर लोगे चीजें तो प्लेसमेंट्स बहुत मुश्किल है, 9 CGPA ठीक है अच्छा बात है लाना, ऐसा नहीं कर रहा हूँ खराब चीज है, अच्छा बात है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी रखना चाहिए, तो मैनेज का वही बता रहा हूँ ना, मैं डेली टारगेट्स रखता था कि रियलिस्टिक टारगेट रखिए जो पॉसिबल हो, कि आपको जैसे क्या है कि जैसे आज आप आपका कोई ज्यादा काम नहीं है तो आप ज्यादा पढ़ लिए, ठीक है आपके पास आपको पता है कि आपके पास ज्यादा आवर्स ऑफ स्टडी है, तो आप वैसे ही डेली टारगेट बनाइए। अब जैसे मानो आपको कोई इवेंट का काम करना है तो आप नहीं कर सकते, तो आप 1 घंटे के हिसाब से ही टारगेट बनाओ, आप उसको किसी सैटरडे संडे को ऑफ रहता है आप सैटरडे संडे को मैनेज कर लो आपका जो छूट रहा है, तो आपको उस हिसाब से करना होगा, ये नहीं कि नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि बहुत टाइम फ्रस्ट्रेशन आएगा आपको तैयारी करने टाइम कि आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ये चीज, लेकिन कॉलेज है तो आपको प्रोजेक्ट वर्क भी देखना है, आपका फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट वर्क बहुत हिंड्रेंस करता है, मेरे कॉलेज में तो बहुत ज्यादा हिंड्रेंस करता था, लेकिन वही है कि आपको जिस हिसाब से फ्री हो उस हिसाब से बनाइए, और सैटरडे संडे फुल अच्छे से प्रिपरेशन पे टाइम दीजिए, सैटरडे संडे भी आप जाइए सामने खेलिए कूदिए उससे फर्क नहीं, सैटरडे संडे बहुत टाइम रहता है, तो आप सैटरडे जो भी आपसे वीकली कवर नहीं हो पा रहा है मतलब वीकडेज पे नहीं हो रहा है आप वीकेंड्स पे कवर कर लीजिए, यही तरीका और कोई तरीका नहीं है, हर एक एग्जाम का यही है, अगर आप कॉलेज के साथ पढ़ रहे, बहुत लोग जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हैं, तो वही चीज है आपको डेली टारगेट्स रखना है, स्मॉल स्मॉल टारगेट से ही आपका पूरा होगा वो चीज, स्मॉल टारगेट्स रखिए आपको। और एक क्वेश्चन था कि मतलब गेट अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या, मतलब सपोज गेट एग्जाम में दे दिया उसके बाद मेरे पास कितने सारे अपॉर्चुनिटीज है, आपके अपॉर्चुनिटीज हो गए, मैं पीएससी में बता रहा हूँ आपके जो जो हर साल निकलता है, इस साल शायद आईओसी कोविड की वजह से नहीं निकाल रहा है जितना मुझे पता है, तो आईओसीएल हो गया आपका पीएससी में, बार्क हो गया, फिर से आपका सेल हो गया, फिर डीआरडीओ हो गया, फिर ये अभी वाइजैक पिछले साल तक ले रहा था गेट से, अब वो इस बार अपना एग्जाम ले रहे हैं, तो वो चेंज करते रहते हैं, कभी खुद का की ले लिए कभी इधर का ले लिए, फिर एक बीआईएस है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कुछ है, वो मिनिस्ट्री का जॉब है, डीआरडीओ और बीआईएस मिनिस्ट्री के अंडर है, वो प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉब है, तो वही डीआरडीओ वाइजैक सेल बार्क आईओसीएल 7 to 8 पीएसयूज हैं, और आपका सबसे बेस्ट ये रहता है जिनको पढ़ना है वो आईएससी बेस्ट है, आईएससी से एमटेक करने के लिए एमएस करने एमएस जो भी होता है पता नहीं मुझे एमटेक के बारे में, लेकिन एमटेक करने के लिए आईआईटीज और आईएससी के पास आपके पास ऑप्शन। और अगर कोई एक तो ऑप्टिमम रैंक पूछा जाए मतलब कितना रैंक लाने से आपका एक पीएसयू कंफर्म हो जाता है, तो मतलब क्या आपको लगता है मतलब आपके अंदाजा से अप्रोक्स कितना रैंक रेंज क्या होगा? अगर वैकेंसी देखोगे लास्ट 2-3 ईयर आप लास्ट 2-3 ईयर के आप, तो मेरे हिसाब से आप टॉप 20 में रहोगे तो सिक्योर रह जाओ, टॉप 20 में रहने पर
क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, हर साल ऐसा नहीं होता है, लास्ट ईयर मेरे फ्रेंड को सिक्स्थ रैंक आई थी, वो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहा था तो, लेकिन उस बार IUCL में शायद पता नहीं कोई प्रॉब्लम की वजह से पांच ही सीट निकली थी या छह सीट, तो जनरल की तीन सीट हो गई, छह सीट निकली तो सीधा था, तो उसका सिक्स्थ रैंक आया तो टॉप थ्री रैंक ही ले गए वो, क्या कहते हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं होता, मेरे टाइम में 20 सीट्स थी तो टॉप 20 तक की जनरल रैंक में हुई थी। आप टॉप 20 में अगर जनरल हो, जनरल कैटेगरी में हो, तो टॉप 20 या 15 तक तो आप सिक्योर समझो, आपको PSUs मिल ही जाएगी, 20 तक भी आप सिक्योर ही रखो, 20 पे मैं बता रहा हूँ 80-90% श्योर है आपका। एक क्वेश्चन आया है, is it good to make handwritten notes very well while studying from some video lecture or PDFs? वही बोला ना मैं, जिनका भी क्वेश्चन है मैं उनको बता दे रहा हूँ कि अपना स्ट्रेटजी होता है। अब जैसे मैं नोट्स नहीं बनाता था, बहुत लोग, मेरा दोस्त था, मेरे साथ ही प्रिपरेशन करा था, उसको ऑल इंडिया रैंक 12 आया था, वो नोट्स बना के पढ़ता था। तो अपना स्ट्रेटजी फॉलो करिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जैसे अगर आपको नोट्स बना के पढ़ना अच्छा लगता है तो आप नोट्स बना के पढ़िए। जैसे कि मैं कुछ भी पढ़ता था तो नोट्स नहीं बनाता था, मुझे बार बार वही पढ़ना पसंद था, मुझे नोट्स में कभी भी अच्छा नोट्स नहीं बनाता हूँ, मैं बहुत ही खराब नोट्स बनाता हूँ। तो वही है कि अगर आप नोट्स कर रहे हैं, अगर आपको नोट्स से करना अच्छा लगता है तो आप नोट्स में, क्योंकि किसी का भी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करना चाहिए सब मामले में, क्योंकि आप नोट्स करना चाहते हैं तो आप नोट्स से करिए, जिनको बुक से करना है रेगुलर आप बुक से करिए, वही बात मैं और एक क्वेश्चन आया है आशुतोष बोल के, एक लड़का है आशुतोष बोल के है, तो बोल रहा है कि भैया डिफरेंट कंपनीज के पैकेजेस के बारे में कुछ बताइए प्लीज, डिफरेंट कंपनीज के पैकेजेस के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, PSU के पैकेजेस के बारे में। मेरा लो CGPA था तो भी प्लेसमेंट हो गया था मेरा रिलायंस इंडस्ट्रीज में, तो उनके पैकेज था अराउंड 6 लाख पर एनम, मतलब CTC, लेकिन मोटिवेशन यही था कि इंडियन ऑयल में जाना है क्योंकि वहाँ पैकेज है 17 LPA। अभी आप ज्वाइन करोगे तो आपका CTC 17 LPA के अराउंड है, लेकिन वो CTC है, उसमें बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, लेकिन ये है कि इन हैंड आपको अराउंड आप रखो 80-90 लाख आएगा। लेकिन अभी जितना मुझे पता चला है कि अब CTC 15 हो गया है नए ज्वाइनर्स के लिए। अच्छा। क्योंकि जो भी नए ज्वाइन कर रहे हैं उनका 15 लाख, मानो कि आपको इन एंड वही 70-80 रहेगा, लेकिन ओवरऑल बहुत सारी चीजें रहते हैं, मैं इतना उसमें नहीं चन पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन आप रख लो कि इनफ पैसा मिलेगा आपको इंडियन ऑयल में, क्या कहते हैं, सैलरी इनफ है आपके CTC, आप देखोगे 15 लाख है तो अराउंड आप 13-12 किसी भी तरीके से आपको आ ही जाता है, वो इन एंड नहीं आएगा, लेकिन बहुत चीजें रहती हैं, ट्रेवल अलाउंस रहता है, घूमने का रहता है, सब बहुत फालतू चीजें रहती हैं, वो सब CTC में इंक्लूड रहता है, आप रखोगे आपका 15 LPA CTC है। और एक क्वेश्चन आया है कि हाउ टू मेंटेन टाइम शेड्यूल फॉर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग एग्जाम, माने कितना टाइम रखे हम लोग, सपोज एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम दे। एक क्वेश्चन ऐसा तो फिर एग्जाम में ही है, आप देखिए यही सब चीज बोला ना, ये सब आपको टेस्ट सीरीज से पता चलेगा, कि आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, किस सब्जेक्ट में, कि आप मैकेनिकल मेटलर्जी के क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम ले रहे हो, कि थर्मोडायनेमिक्स से आपसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं, मतलब सॉल्व नहीं हो रहा है, कि कौन सा सब्जेक्ट है। आपको टेस्ट सीरीज दोगे तो आपके वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता चलते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज से ही ये बात पता चलेगा, और प्रीवियस ईयर से पता चलेगा कि आप प्रीवियस ईयर में किस पार्ट के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। और क्या कहते हैं, मेरा अप्रोच मैं खुद का बताता हूँ, मैं टेस्ट सीरीज में मेरा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, क्योंकि उसमें थोड़ा रटना ज्यादा है, तो मेरा एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का क्वेश्चन नहीं बनता था, तो मैं ज्यादा ध्यान लास्ट में एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी पे ही दे रहा था, क्योंकि बाकी सब चीजें मेरी स्ट्रॉन्ग थी, तो एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में ये सब सिर्फ टेस्ट सीरीज से ही मुझे पता चला कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो मैं, मेरा सबका अपना अप्रोच है, मैं क्या करता हूँ, मैं एप्टीट्यूड पहले बनाता हूँ, एप्टीट्यूड बहुत ईजी आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैथ्स बहुत ईजी रहेगा, कि वही 2 नंबर के क्वेश्चंस पहले बनाते हैं, मैं 1 नंबर का बनाया था, 1 नंबर फिर 2 नंबर, ऐसे ये सब आपको सब पता चलेगा आप टेस्ट सीरीज दोगे, तो टेस्ट सीरीज आप 10 टेस्ट दोगे, 15 टेस्ट दोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो आप 6-8 महीना पहले प्रिपरेशन शुरू किए, तो आप टेस्ट सीरीज कब से लेना शुरू किए, 3 महीना पहले की 6-8 महीना के साथ साथ? देखिए, पहले तो हम लोग के टाइम ये था ही नहीं, ये टेस्ट योर सेल्फ नया नया आया था, ठीक है, मैं ज्वाइन नहीं किया था इसके वजह से, सिर्फ कैरियर रेवेन्यू था उस टाइम, मैं बता दूं, मैंने कोचिंग नहीं लिया है, मैं किसी को गलत नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं प्रचार कर रहा हूँ कैरियर रेवेन्यू कैसा, नहीं, मैंने कोचिंग नहीं की, मैंने कैरियर रेवेन्यू से कोचिंग नहीं लिया, मैंने सिर्फ वहां से टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, ठीक है। तो कैरियर रेवेन्यू ने जनवरी से स्टार्ट किया था शायद फुल टेस्ट लेना, ऑल इंडिया टेस्ट, दिसंबर लास्ट या जनवरी से, लेकिन अभी आपके पास शायद
पता नहीं उनको कैरियर रेवेन्यू के बारे में, उनका देख लीजिएगा, टेस्ट योरसेल्फ का शायद जितना पता है, इन्होंने भी बहुत कैरियर रेवेन्यू भी शायद पहले से स्टार्ट कर रहे होंगे अब तो। टेस्ट योरसेल्फ पार्ट वाइज टेस्ट लेगा आपका, कैरियर रेवेन्यू का भी पार्ट वाइज टेस्ट रहता है, पार्ट वाइज टेस्ट आप कभी भी कैरियर रेवेन्यू के दे सकते हैं। ऑल इंडिया टेस्ट वो जनवरी में स्टार्ट किए थे, उस हिसाब से टेस्ट योरसेल्फ का पार्ट वाइज टेस्ट होगा ऐसे ही क्या कहते हैं कुछ कुछ डेट्स पे, और आपका फुल टेस्ट उनका आप शेड्यूल देख लीजिएगा एक बार। आप मेरे ख्याल से फोर्थ ईयर के ज्वाइन कर लीजिए, आप क्या कहते हैं फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में, फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में ज्वाइन करना सही रहेगा। अच्छा, मतलब जनवरी 2018 से ऑल इंडिया टेस्ट शुरू हो जाता है, मतलब सपोज आप 2018 हाँ जनवरी 2018 से, लेकिन आजकल इस पहले से भी स्टार्ट करो क्योंकि आजकल ज्यादा मतलब वो आ गए हैं, पहले कंपटीशन नहीं था कैरियर रेवेन्यू का मुझे ऐसा लगता है, तो हो सकता है वो लोग थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है ऐसे पहले से स्टार्ट करना चाहिए, अक्टूबर नवंबर से फुल टेस्ट स्टार्ट होना चाहिए, चार महीने कम से कम, थोड़ी धीरे 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 फिर मॉक टेस्ट होना चाहिए कि एक साथ 10 टेस्ट हो रहा है किसी डेट पे, तो वही है कि हो सकता मेरे हिसाब से अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन उसके में कंपटीशन नहीं था उनका तो जनवरी से स्टार्ट करते थे। तो आप देख लो क्या शेड्यूल है क्या नहीं, तो आप दोनों टेस्ट बोला ना आपके, अगर आपको मनी इशू नहीं है तो आप दोनों टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। मनी इशू है तो आप एक बार करंट में क्या चल रहा है ये आपको एक बार देखना होगा, आपसे बात करना होगा, या फिर आप कोरा पे पढ़ लीजिए या फिर नेट पे देख लीजिए कौन अच्छा चल रहा है, जो अच्छा लग रहा है वही ज्वाइन करिए। अच्छा। आपका पढ़िए ये मैं बोलूंगा, नहीं तो आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। जितना मुझे पता है अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट कर देता है टेस्ट योरसेल्फ फुल टेस्ट लेना। अच्छा, आप एक बार देख लेना उनके वेबसाइट पे क्या है। मॉक टेस्ट भी दोनों के कैरियर रेवेन्यू के भी होंगे उनके साइट पे, और टेस्ट योरसेल्फ के भी साइट पे मॉक टेस्ट हैं, तो आप देख लो आपको जो पसंद आ रहा है। और एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पीएसयूज ऑफर डिड यू गेट एंड हाउ वाज योर पीएसयू एक्सपीरियंस इन द पीएसयू इंटरव्यूज, मतलब आपका पीएसयू इंटरव्यूज कैसा गया और आपको कितने पीएसयूज ने ऑफर किया था। देखो मेरे टाइम में 5 पीएसयूज का आया था, ये चीज के लिए फॉर्म आया था 5 पीएसयूज का, इसमें एक था इंडियन ऑयल, बार्क, सेल, नालको और वाइजैक, ठीक है। तो मैंने वाइजैक का फॉर्म भरा लेकिन उसे बहुत लेट आया था कॉल, तो मैं गया ही नहीं उसका, मेरा इंडियन ऑयल में उस टाइम तक हो चुका था तो मैंने नहीं गया देने। तो मेरे पास था, सबसे पहले मैंने इंटरव्यू दिया था इंडियन ऑयल का, उसके बाद मैंने दिया नालको का, फिर सेल का भी बहुत देर में इंटरव्यू था, तो मेरा जब तक नालको में इंटरव्यू था तो इंडियन ऑयल में मेरा सिलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया था, मतलब रिजल्ट नहीं आया था उसका, तो मैंने नालको का पहले ही रिजल्ट आ गया, नालको ज्वाइन कर लिया, नालको ज्वाइन करने के बाद सेल का आया था, तो मैंने सेल का इंटरव्यू नहीं दिया, मैंने सिर्फ दो ही इंटरव्यू दिया इंडियन ऑयल और नालको का। तो मैंने चाहता था कि किसी का सीट लेना क्योंकि हो जाता वहां पे तो सेल में फिर किसी का सीट चला जाता, तो मैं नालको ज्वाइन कर चुका था। तो नालको ज्वाइन करने के बाद मेरा रिजल्ट आया था, मैं नालको छोड़ के फिर इंडियन ऑयल आया। तो मेरा इंटरव्यू, मैं इंडियन ऑयल का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझसे पहले मैं गया तो मुझसे थोड़ा रैंक वैंक पूछा गया, तो रैंक पूछने के बाद वो लोग थोड़ा लाइट ले लिए मुझे ऐसा लगा, तो रैंक पूछे तो उन लोगों को लगा कि सिलेक्शन करना है, मुझे ऐसा लगा कि क्वेश्चन से मेरे से कम पूछा गया। मेरा इंटरव्यू अराउंड 7 to 8 मिनट्स में ही ओवर हो गया था, बाकी जो भी जिनका रैंक थोड़ा पीछे था उनका ज्यादा इंटरव्यू टाइम था, मेरा बहुत कम था, 7 to 8 मिनट्स में इंटरव्यू हो गया था, लेकिन मेरा फुल्ली मैक्सिमम टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था। लेकिन बहुत लोगों का एचआर इंटरव्यू वही है कि आप कैसा जाते हो तो प्रस्पेक्टिव देते हो, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन दोगे अपना तो उस टाइम आप अपना थोड़ा बताओगे एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एक फॉर्म आता है, एक फॉर्म भरना रहता है वहाँ पे, डीएफ मान लो कि वही इंट्रोडक्शन फॉर्म मान लो या उसको सीवी टाइप का मान लो, क्योंकि वहाँ सीवी लेके नहीं जाना रहता है इंडियन ऑयल में, आपको अपना फॉर्म देंगे सीवी का एक टाइप का, ठीक है, वो सीवी ही समझ लीजिए आप। तो वो फॉर्म भरना होगा आप लोग को, फॉर्म भरिए, उसमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट करके रहता है, आप वो भरोगे उसी से क्वेश्चन वो मैक्सिमम पूछेंगे। मुझे मेरा तो यही था कि मैंने जो डाला था उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा था। अच्छा। मैंने डाला था कि मुझे मैकेनिकल पसंद है, तो मैकेनिकल मेटलर्जी से ज्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। तो आप अपने तरफ खींच सकते हो इंटरव्यू का, यही है कि आप कैसा फॉर्म भरते हो, आपका जब जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जरूर लिखिएगा। हो सकता है आपका प्रोजेक्ट वर्क पे बहुत क्वेश्चन, प्रोजेक्ट का क्वेश्चन पूरा रहेगा, प्रोजेक्ट क्या है, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर में आपने क्या किया, तो प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन रहता है,
प्रोजेक्ट का प्रिपरेशन करना है आप लोग को अच्छे से अपना, फिर आप अपना टेक्निकल तो रखिए, और ये सब रहता है कि इंडियन ऑयल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या कब कौन चेयरमैन है, क्या है क्या, मतलब थोड़ा सा उसको बताना चाहिए कि क्या क्या रिफाइनरी मार्केटिंग पाइपलाइन डिवीजन है, तो ये सब बेसिक पूछेंगे वो इंडियन ऑयल के, बाकी कुछ नहीं। मैक्सिमम अगर आपका रैंक अच्छा है तो वो लोग कुछ ज्यादा पूछते भी नहीं, मेनली यही रहता है। वही है कि आप प्रोजेक्ट वर्क और जो भी आप अपने फॉर्म में लिखोगे ये बस रखना याद कि जो भी लिख रहे हो वो आपको आना चाहिए, क्योंकि वो फिर उससे ही पूछेंगे कुछ। अच्छा। मैक्सिमम, क्योंकि उनको ही पास, मुझे पता है मैं एक बार स्क्रूटनी किया हूँ इंडियन ऑयल में जब नेक्स्ट ईयर का, तो मुझे ये पता चला कि उनके पास रैंक कार्ड नहीं जाता है आपका, कि थोड़ा बायस ना हो वो लोग, रैंक देख के बायस ना हो, लेकिन फिर भी वो लोग रैंक पूछ लेते हैं, मेरे टाइम में तो पूछ रहे थे, तो अगर उनको पता चल गया तो ऑफ कोर्स बायस होंगे, टॉप फाइव को देखेंगे तो वो लोग चाहेंगे कि इन्हीं को लेना, लेकिन इसलिए उनको रैंक कार्ड नहीं भेजा जाता है कि आपका रैंक पता चले उन लोग। अच्छा। तो बस उस बेसिस पे ही इंटरव्यू होता है कि वो जो फॉर्म रहता है उसको लेते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं, IOCL के बारे में ब्रशअप कर लीजिए, ये सब कर लीजिए। नालको का ये मेरा ज्यादा देर का इंटरव्यू नहीं हुआ था, 10 to 15 minutes का। नालको में मेनली आपको एल्यूमिनियम ओरिएंटेड कंपनी है वो, तो वही उनका सवाल एल्युमिनियम को ही लेके था, एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी को ही लेके क्वेश्चन ज्यादा थे। और एचआर के अगर मैं बोल रहा था कि अगर मतलब वो लोग अगर रैंक कार्ड नहीं देखते हैं तो आप लोग को ऑफर कैसे आता है, मतलब थ्रू मेल और समथिंग लाइक कैसे आता है, मतलब? नहीं नहीं नहीं, इंटरव्यू पैनल को रैंक कार्ड नहीं भेजा जाता। अच्छा, 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 इंटरव्यू अच्छा, पैनल जो लेते हैं उनको रैंक कार्ड जानबूझ के नहीं भेजा जाता, कि वो बायस ना हो रैंक, वो तो आपको कॉल तो रैंक के बेसिस पे आएगा। मानिए 10 सीट है तो 10 × 5 कर दीजिए, 50 लोगों को बुलाएंगे, 50 लोगों को कॉल करेंगे, तो यही। एक और क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा टेक्निकल स्किल्स आर नेसेसरी फॉर PSUs और ओनली डिपार्टमेंटल, कुछ एक्स्ट्रा टेक्निकल स्किल्स चाहिए? नहीं नहीं, कोई एक्स्ट्रा टेक्निकल स्किल नहीं, मैं बोला ना आपको प्रोजेक्ट वर्क आप करोगे। और हाँ, एक चीज बताना मैं भूल गया था, कौन है? हेलो, प्लीज चैट थोड़ा अनम्यूट कर दीजिएगा भैया, चैट अनम्यूट, एक मिनट। हाँ, कुमार है, उसका चैट अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, एक मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कुमार हर्ष का चैट नहीं हुआ क्या? अपने आप से म्यूट कर लो, एक मिनट, मैं म्यूट ऑल कर ले रहा हूँ एक बार के लिए पहले। नहीं नहीं, चैट अनम्यूट कर दीजिए, मैसेज नहीं भेज पा रहा हूँ क्वेश्चन। ओके ओके ओके, हो गया, चलो। हेलो, हाँ हेलो, मैं वही बोल रहा था ना, एक्स्ट्रा टेक्निकल नहीं, एक्स्ट्रा टेक्निकल नॉलेज कोई नहीं चाहिए। मैं एक चीज बताना भूल गया था कि अगर आप इंटर्न किए हो तो वो भी रहेगा फॉर्म में कि इंटर्न किए हो कि नहीं, शायद रहता है, मुझे उतना रिमेम्बर नहीं हो, लेकिन लिखते हैं लोग जो भी इंटर्न करते हैं, लेकिन मैं इंटर्न नहीं किया था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जानबूझ के छोड़ दिया था इंटर्न, लेकिन जो भी मैक्सिमम 99% लोग इंटर्न करेंगे थर्ड ईयर के एंड में, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में कंपलसरी होता है करना, मेरे कॉलेज में नहीं था तो मैंने अवॉइड कर दिया था गेट प्रिपरेशन के लिए, तो वो नहीं किया। तो आपका अगर आप इंटर्न किए हो तो इंटर्न के बारे में भी आप जो भी किए हो तब क्वेश्चन पूछे, मानो आप इंटर्न कहीं इंडियन ऑयल से ही कर लियो, मानो कोल इंडिया से कर लिए या फिर BPCL HPCL से किए हो, तब वो थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या करता है, कैसे क्या हो, जिस फील्ड में आप किए हो, मानो आप रिफाइनरी में किए हो तो थोड़ा रिफाइनरी का नॉलेज चाहिए हो, अगर नहीं किए हो तो वो लोग कुछ नहीं पूछे, उनको ही पता है फ्रेशर हो तो क्या करते हैं वो, कुछ भी ये सब टेक्निकल एक्स्ट्रा नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपको डिपार्टमेंट के ही क्वेश्चन आएगा। तो मैं ही एग्जांपल देता हूँ, अगर कुछ कुछ फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे यहाँ पे, आप भी पढ़े होंगे कुछ कुछ, तो मेरे से यही था कि मैकेनिकल मेटलर्जी में बॉचिंगर इफेक्ट, अगर आप लोग कोई पढ़े होंगे तो यही सब क्वेश्चन था, बॉचिंगर इफेक्ट क्या होता है, फिर क्रीप क्या होता है, ये सब विद इन द डिपार्टमेंट ही क्वेश्चन आएगा, अगर आप प्रोजेक्ट के लिए रेडी रहो और क्या कहते हैं आप इंटर्न जो किए हैं उनके लिए रेडी रहो। इधर और एक क्वेश्चन है, डू वी नीड टू प्रैक्टिस मैथ्स हाईली, मतलब मैथ्स में बहुत ज्यादा फोकस करने का दरकार है क्या? प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, हाईली का पता नहीं, हाईली वर्ड सम मैं नहीं बोलूंगा कुछ, लेकिन ये प्रैक्टिस तो मैथ्स तो प्रैक्टिस से ही बनेगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी मैथ्स का अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। आपको प्रीवियस ईयर देखोगे तो मैथ्स के इजी क्वेश्चन रहते हैं, आपसे मेड इजी बुकलेट जो आती है उसका सारा जो उसमें शायद थियोरिटिकल पार्ट भी रहता है,
थ्योरिटिकल पार्ट भी हो जाएगा आपको, जो जो बेसिक कंसेप्ट चाहिए, और सारा उसका 20 to 25 ईयर्स का क्वेश्चन है सारे डिपार्टमेंट का, मेटलर्जी का नहीं है, लेकिन मेटलर्जी का ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से क्वेश्चन आता है, वो सेम ही मानिए चार पेपर भी साथ ही होता है, केमिकल का साथ हो गया, मेटलर्जी का साथ हो गया, सबका मैथ सेम रहता है, जिनका सेम डे पे रहेगा पेपर, सेम टाइम पे जिस भी ब्रांच का, उनका सेम मैथ्स का पेपर आएगा, सीधा कंसेप्ट है मैथ्स और एप्टीट्यूड का, ठीक है। तो मैथ्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि अलग ब्रांच के लिए अलग है, थोड़ा मुझे लगता है ऐसा कि मैकेनिकल ब्रांच से मेटलर्जी ब्रांच का मैथ्स इजी आता है हमेशा, क्योंकि कभी सेम डेट को एग्जाम नहीं होता है मैकेनिकल, मैंने देखा तो, अगर आप मैकेनिकल का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप मेटलर्जी का कर दो। तो क्या है, अब मेड इजी बुकलेट का प्रीवियस 25 इयर्स क्वेश्चन कर लो, जो भी जो जो सिलेबस में लिखा हुआ है, कुछ कुछ सिलेबस ज्यादा है कोई कोई ब्रांच का, ये भी देख लीजिएगा आप, सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर लो, आप सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ो, ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो जो मैथ्स का सिलेबस दिया हुआ है उसको आप मेड इजी में देखो कि कौन कौन चैप्टर पढ़ करना है मुझे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो 20 से 25 इयर्स का, आप ऊपर से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़े ही हुए हो तो और इजी रहेगा, सेम ही रहता है, बस थोड़ा इजी रहता है कॉलेज के क्वेश्चंस से, क्वेश्चंस हार्ड नहीं आएंगे मैथ्स के, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर मेड इजी के कर लो, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है भैया, कैलिस्टर का कोई सॉल्यूशन बुक है क्या? हाँ हाँ, कैलिस्टर का सॉल्यूशन है आपके, ये बताओ आपके लाइब्रेरी में या फिर जो भी आप लोग कौन सा एडिशन है कैलिस्टर का, पता है आपको? एक बार चैट बता दो, जो भी ये क्वेश्चन पूछा है एक बार ये बता दो, आकाश रंजन प्रूस्ती प्लीज बता दो ये वाला, तुम्हारे लाइब्रेरी में कौन सा एडिशन है, या कौन जो भी बुक रखे हुए हैं आपके कॉलेज में, या फिर जो भी बुक जिनके पास है एडिशन बता दो आप एक बार, एडिशन एक बार बता दो, क्योंकि मैं कैलिस्टर फॉलो नहीं करता। इधर एक और क्वेश्चन है कि कुड वी हैव सम आइडिया अबाउट द वेटेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मतलब वेटेज क्या रहता है पांचों का अगर आप देखेंगे तो? ए, वो मैंने एक बार बता दूं, 1920 का क्वेश्चंस नहीं देखा, ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, 18 तक का मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक्स मैक्स, मतलब अराउंड आप रख दो कि 100 कितना 70 मार्क्स रहता है टेक्निकल के लिए, आप मैथ्स और न्यूमेरिकल, मैथ्स और एप्टीट्यूड सॉरी 30 मार्क्स रहते हैं अराउंड, कभी कभी चेंजेस होते रहते हैं, 30 से ज्यादा नहीं आता है मैथ्स और एप्टी, 70 में आप रख लो, 20 से 25 आपको थर्मोडायनेमिक्स आता था हम लोग के टाइम में, तो उसके बाद आप रख लो मैकेनिकल, मानो 15 अराउंड 15 टू 20 मार्क्स रख लो, कितना 45 मार्क्स हो, मैं तो मैक्स में लेके चल रहा हूँ, उसके बाद फिजिकल रख लो, उसके बाद आप क्या कहते हैं ये, एक मिनट में रुक जाओ, थर्मो फर्स्ट प्रिफरेंस है, थर्मो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, उसके बाद मैकेनिकल या फिजिकल में ये लोग आगे पीछे करते रहते हैं, ठीक है, उनका वेटेज चेंज होते रहता है, लेकिन मैकेनिकल फिजिकल दोनों इंपॉर्टेंट है, थर्मो के बाद ये दोनों हो गया, उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग, और मेरे टाइम में सबसे कम क्वेश्चन एक्सट्रैक्टिव से आता था। अच्छा, क्योंकि एक्सट्रैक्टिव आप करोगे ना तो एक्सट्रैक्टिव का न्यूमेरिकल भी थर्मोडायनेमिक्स से लिंक होता है कुछ कुछ, ये आप एसके दत्ता करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे आपके एक्सट्रैक्टिव के न्यूमेरिकल्स में। अच्छा। तो वहां पे वो चीज अब थर्मोडायनेमिक्स में ही रख लो, इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। 1920 का मुझे आइडिया नहीं है, आप एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, लेकिन मैक्सिमम चांसेस वो थर्मो से ही पूछे होंगे, थर्मो मैकेनिकल फिजिकल ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग भी आपका मैन्युफैक्चरिंग इजी है, हम बता रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा भी करोगे तो बहुत मार्क्स उठेगा उसमें, एक्सट्रैक्टिव में थोड़ा आपको क्या कहते हैं टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एक्सट्रैक्टिव में मैक्सिमम मगअप करना है कुछ कुछ चीजें, आयरन मेकिंग भी मगअप है, बहुत सारे पॉइंट जो थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं थोड़ा तो मगअप करना ही पड़ेगा आपको कुछ कुछ टर्म्स। मैं पूछ रहा था कि जब आप, हाँ बोलिए बोलिए आप बोलिए। हाँ वही मैं बोल रहा था कि इसी एरिया में, ऐसा नहीं है कि कुछ भी वेटेज के हिसाब से जाओ, क्योंकि टॉप 15 20 मार्क्स रहना है तो आपको अपने पांच में से चार सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखने होंगे, अगर पांचों स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छा बात है, और ये भी मैं बता दे रहा हूँ परफेक्शनिस्ट बनने का जरूरत नहीं है, किसी को 100 out of 100 नहीं आता है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा उसको एक दो नंबर का अवॉइड भी कर दो, क्योंकि एक दो नंबर के चक्कर में आप जो इम्पोर्टेंट चीज पढ़ना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कि मेरा भी अराउंड 86 मार्क्स आया था, 86 ही था, और पिछले साल का मुझे 1920 के भी टॉपर्स का मार्क्स पता है जितना कि 84 85 ही हैं, तो किसी को आजकल 90 भी क्रॉस नहीं हो रहा है, 15 में 94 आता था, 15 के पेपर बहुत इजी आया था, उसके बाद से पेपर बहुत अच्छे लेवल का बन रहा है, तो किसी को 90 भी नहीं आ रहा है, तो यही बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ चीजें आएंगी एक्स्ट्रा, वो सबसे नहीं बनेगा, उसका टेंशन नहीं लेना है, तो आप ये टारगेट रखो 80 अबव लाओगे आराम से। मेरे ही इस बार फ्रेंड को आया 80.33 इस बार, उसका रैंक 4th है इस बार ऑल इंडिया रैंक,
वो 2 साल अभी रिलायंस में जॉब कर रहा है, उसके साथ ही दिया था पेपर। और मैं एक बात पूछ रहा था कि आप कैसे प्रिपरेशन शुरू किए थे, मतलब पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़े थे या मतलब पहले क्या पढ़े थे, वैसा किस ऑर्डर में पढ़े थे? मुझे मैकेनिकल बहुत पसंद है तो मैंने मैकेनिकल से ही स्टार्ट किया था। अच्छा। तो सबसे पहले मैंने मैकेनिकल किया, उसके बाद क्या है ना कि मैंने स्टार्टिंग मैकेनिकल से किया, लेकिन मैं मेरा स्ट्रेटेजी ये रहता था ना कि मैं डेली 5 लेके चलता था कुछ कुछ देर के लिए। जैसे मानो मैं फिक्स कर लिया कि मैकेनिकल के डीटर का 4 पढ़ लूंगा, मैं वही बोला ना डेली टारगेट्स जो रहते थे वो मैं लिखता था कि मैं आज ये करूंगा, तो मैकेनिकल के 4 पढ़ लिए, डीटर के, कैलिस्टर के 4 पढ़ लिए। 4 पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई भी चैप्टर आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम तो 15-20 पेजेस है, कोई भी मैक्स बता रहा हूँ, बहुत तो 10 ही के अंदर खत्म हो जाता है। तो आप 4 भी करोगे तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा कुछ कुछ चैप्टर, अगर ज्यादा बड़ा है तो 4 रख लो मैक्स एक चैप्टर के लिए। मैकेनिकल में सिर्फ 18 चैप्टर है, मैकेनिकल में डिटर में दोनों है ये पता होना चाहिए, मैकेनिकल प्लस एक्सट्रैक्टिव का रोलिंग फोर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट, रोलिंग फोर्जिंग ये सब ठीक है। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग का भी पार्ट मानो आप 4 भी डेली पढ़ते हो, अगर 15 भी है तो 4 18 चैप्टर है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 2 में खत्म हो जाएगा फर्स्ट रीडिंग में बता रहा हूँ, सेकंड रीडिंग से आपका और टाइम कम लगने लगेगा, वो चीजें बता रहा हूँ। तो ऐसे ही मैं करता, मैं डेली सब्जेक्ट रखता था, मैकेनिकल का कुछ, फिजिकल का कुछ, बोला ना जैसे कि मानो कि मेरे पास बचा 3-4 आपके पास 4 ज्यादा बचेगा भी नहीं मेरे हिसाब से, मतलब ये कॉलेज के बाद, तो मैं 2-2.5 थ्योरी के लिए रखता था और 1.5 मान लो, अगर घंटा वाइज तो नहीं भाई मानो 4 लग ही जाता था, तो 1.5 न्यूमेरिकल्स के लिए कि मैकेनिकल का कुछ न्यूमेरिकल करूंगा, कुछ मैं फिजिकल का न्यूमेरिकल करूंगा, कुछ थर्मो का, कुछ मैन्युफैक्चरिंग का, कुछ एक्सट्रैक्टिव का, बस ऐसे ही मैं क्या कहते हैं अपना स्ट्रेटेजी फॉलो करता था। एक और क्वेश्चन, ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग के पास कैलिस्टर का 11th एडिशन है, 7th एडिशन, सॉरी 9th एडिशन है, 8th एडिशन और 7th एडिशन है, तो किसमें रहता है सॉल्यूशंस? देखो आप एक बार सर्च करना नेट पे आपको कैलिस्टर सॉल्यूशन करके, ठीक है, आपको एक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। जो मेरे पास था एडिशन बहुत पुराना था, 2nd एडिशन से मैं पढ़ता था, तो उसका मुझे बहुत खोजने के बाद मिला था, वो अभी मुझे पता नहीं है कि नहीं मेरे पास, चेक करना, अगर होगा तो किसी के पास 2nd एडिशन के लिए हेल्प हो जाएगा वो। नहीं, न्यू एडिशन के लिए सॉल्यूशन नेट पे ही अवेलेबल है कैलिस्टर का। तो क्या है ना, आप सॉल्यूशन देखना खोल के किसी भी चैप्टर का और न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेना कि क्या है, क्योंकि हर एक एडिशन में ये लोग बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करते हैं न्यूमेरिकल्स का, तो आपको पता चल जाएगा कि इसी एडिशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो आप एक डाउनलोड करके आपको चेक करना पड़ेगा वो, नहीं तो मेरे पास 2nd एडिशन का मिलेगा तो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि अभी जैसे इतना ज्यादा कोडिंग का जो कल्चर चल रहा है, तो डू वी नीड टू एक्वायर कंप्यूटर स्किल्स, मतलब ये दरकार है, नेसेसिटी है, की जरूरत है कि नहीं? कोई जरूरत नहीं, आप अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर नहीं हो तो आपको मेटलर्जिकल इंजीनियर, अगर आप पीएसयू के लिए टारगेट कर रहे हो तो कोई नहीं, मतलब कि आप जनरल पूछ रहे हैं क्या, जनरल प्लेसमेंट के लिए? जनरल प्लेसमेंट के लिए तो वही है कि वही इंटरेस्ट पे है, आप कुछ लोग हैं जैसे कि जिनको गेट नहीं देना है तो आप एक्वायर कर सकते हो, जिनको गेट नहीं देना है तो ऑफकोर्स है आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड को मैं बता रहा हूँ 24 का पैकेज मिला था उसको सिटी से ओरेकल में, वो मेटलर्जी में ही था। कुछ कुछ कंपनीज ओपन टू ऑल होती हैं जिनको कोडिंग आता है, वो स्टार्टिंग से 3rd से ही कोडिंग पढ़ता था। तो अगर आपका टारगेट आईटी कंपनी में जाना है तो हाँ कोडिंग करिए, अगर आपको पीएसयू में जाना है तो कोई मतलब नहीं है कोडिंग करने का, वहाँ कुछ नहीं पूछेंगे आपको, हम लोगों को कोई कोड वोड भी नहीं करना पड़ता है जॉब में भी। तो अगर जिनको आईटी कंपनी में टारगेट है, अच्छी कंपनी में जाना है, बड़े कंपनी जिसका ओपन टू ऑल रहता है, आजकल ऑनलाइन भी शायद गूगल तो ऑनलाइन ही कर दिया जितना मुझे पता है, मुझे इसका मेरे टाइम में ऑनलाइन कर दिया था रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपना, तो आप उसको जाना चाहते हैं तो अपना कोडिंग स्किल जरूर बढ़ा सकते हैं, आपको पढ़ना है तो आप कोडिंग कर सकते हैं, अगर आपको अदर फील्ड में जाना है मेटलर्जी फील्ड छोड़ के, तो मतलब आईटी के लिए अगर आपको जाना है तो सब आप कोड कर सकते, कोडिंग करते हैं, नहीं तो पीएसयू में जाना है तो कोई कोडिंग करना, अगर या तो जैसे या तो वेदांता वेदांता में भी जाना है तो उसमें भी नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, मेरा दोस्त का वेदांता में प्लेसमेंट हुआ था, उसको कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं आता था, वहाँ भी बस वैसे ही कोडिंग नहीं हुआ वहाँ पे। आपको जो भी कोर कंपनीज आएंगी वो कोडिंग का पूछेंगी नहीं आपसे, अगर आपका स्किल है तो अच्छी बात है, आप दिखा दो अपने सीवी में कि मेरा ये स्किल नॉलेज है मेरा C++ में, पाइथन में, या जिसमें भी आपका नॉलेज हो। देखो आपका नॉलेज है तो आपको हेल्प ही करेगा वो इंटरव्यू में, अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आप वो जरूर सीवी में जरूर लिखिए आप। और एक क्वेश्चन है कि आपका जो जॉब है वो कैसा है, टोटली टेक्निकल है कि मैनेजमेंट पोस्ट है? मेरा हाफ टेक्निकल हाफ मैनेजमेंट है।
थोड़ा अच्छा। मुझे फील्ड मेरा टूर ज्यादा रहता है, मतलब मुझे कोलकाता से बहुत बार बाहर भी जाना रहता है। मेरा क्या है कि टैंक और पाइपलाइन इंस्पेक्शन रहता है, तो वैसा अच्छा। भी प्योर टेक्निकल नहीं है, लेकिन हाँ मतलब मैं कह सकता हूँ 70% टेक्निकल है, और जब मैं आता हूँ 30% मुझे यहाँ ट्रेनिंग भी कंडक्ट करानी रहती है, क्या कहते हैं ट्रेनिंग लेना पड़ता है कुछ कुछ अपने कुछ ऑफिसर्स को, टैंक इंस्पेक्शन का जो हम लोग करते हैं, कैसे मतलब अच्छे से रखना है टैंक ये सब का, और रिपोर्ट्स भी हम लोग यहाँ आके ऑफिस में ही बनाते हैं, ढाकुरिया ऑफिस मेरे साथ तुम देखे होगे यहाँ पे। तो क्या कहते हैं वही है कि 30% मैक्सिमम मेरा अभी टेक्निकल है, लेकिन हर एक जॉब इंडियन ऑयल में टेक्निकल नहीं है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेटलर्जी हो तो मेटलर्जी सोच के रिफाइनरी दे देंगे। मेरा मार्केटिंग डिवीजन है, मैं बता रहा हूँ मार्केटिंग डिवीजन है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये सेल्स वाला काम करना पड़ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सेल्स का एक सेल्स का एक अलग सा डिपार्टमेंट है, वो आपको सेल्स भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है मार्केटिंग में टेक्निकल ही है, टेक्निकल डिवीजन भी है, मैं टेक्निकल में मिला हूँ, लेकिन बहुत टेक्निकल जॉब ऐसा है नहीं इंडियन ऑयल में। आपको मैक्सिमम मैनेज ही करना पड़ेगा। अगर आपको रिफाइनरी मिला तो फुल्ली टेक्निकल जॉब है आपका। लेकिन और बता दे रहा हूँ, ऐसा कोई चॉइस नहीं रहता है मार्केटिंग रिफाइनरी, ये लोग बता नहीं, हम बता रहे हैं अक्कर बक्कर बम्बे वो करते हैं, जो करता है जिसको जो मन करता है वो दे देते हैं। आप मेटलर्जी से हो, कोई ब्रांच से, बस लेने, बस आपको रिक्रूटमेंट टाइम में ब्रांच से इनको मतलब रहता है, उसके बाद बस एक ब्रांच है सीएससी और ईसी, सीएससी और ईसी को आप वो जॉब देंगे ये लोग, सीएससी वाले उनके लिए रहता है कि हाँ वो हमेशा अच्छी ही जगह रहते हैं वो लोग हमेशा, लेकिन हम लोग का कोई ठीक नहीं है। आपको पाइपलाइन दे देंगे, मार्केटिंग दे देंगे, या फिर आपको रिफाइनरी कहीं भी फेंक सकते हैं, कोई चॉइस आपसे पूछे तक नहीं कि आपको ये चाहिए आपको वो चाहिए, आपका जो मन करेगा वो दे देगा। हो सकता है आपको मैनेजरियल जॉब भी हो सकता है आपका टेक्निकल जॉब भी हो, ऐसा है, कोई फिक्स नहीं है, ऐसा मान के चलिए आपको कुछ भी देखना पड़ेगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट क्वेश्चन नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इधर पूछ रहे कि कितना घंटा मतलब पढ़ना चाहिए ऑन एन एवरेज। तो हमको लगता है ये वाला तो सिंपल आंसर ही होगा, सबका अपना अपना डिपेंड करता है शायद। नहीं नहीं वही बोला ना, आप टारगेट डिसाइड करो। घंटा मुझे पर्सनल लगता है घंटा सोच के पढ़ने में पढ़ाई नहीं हो पाता है, मुझे ऐसा लगता है कि 4 घंटा सोच रहे हैं 6 से 10 पढ़ लेंगे, देखो वही फिर खुद का है, 6 से 10 पढ़ लेंगे, आपका कैसे रिक्वायरमेंट है, किसको कितना जल्दी कोई चीज समझ आए। देखिए हो सकता है कि आप कुछ एक्सट्रैक्टिव में कोई टॉपिक आपको बहुत जल्दी समझ में आ रहा है तो आप खत्म कर दिए जल्दी, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा आपको एक्सटेंड भी करना पड़ सकता है। तो ऑन एन एवरेज आप ऐसा पढ़ो कि आप एक टारगेट बनाओ कि हम 2 मंथ्स में या 2.5 महीने में एक बार पूरा मेटलर्जी का कोर्स खत्म कर लेंगे, फिर उस हिसाब से उसको कम करो कि कैसे क्या करते हैं, मुझे रिवीजन टाइम कम करना है, फिर एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि आप 15 दिन में पूरा रिवीजन कर लो, 15 से 20 दिन में वो हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, लग रहा होगा अभी नहीं होगा लेकिन वो हो जाता है 15 से 20 दिन में, आप क्या कहते हैं वैसा ही होगा धीरे धीरे। आपको फर्स्ट टाइम जरूर है कि बता रहा हूँ टाइम लगेगा, ये सोचने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम तो आपको ज्यादा एफर्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम 3 मंथ मेरे हिसाब से 2 से 3 महीना लग ही जाएगा सिलेबस कंप्लीट करने में अच्छे से, फिर आप उसको धीरे धीरे कम करते रहो, उसी उतने ही मानो आप 4 घंटे डेली पढ़ते हो, आप 4 घंटे पढ़ने के बाद 2 महीने में, कि आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ 4 घंटे पढ़ के ही अगले बार 1.5 महीने में वो खत्म हो जाएगा वैसे ही। और ये बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप बार बार, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप जितना बार कर सकते हो उसको कर, ये मत सोचो कि मुझे आता है 3 बार कर लिया हूं तो मैं फिर से नहीं करूंगा, लेकिन फिर से कर लो आप, मैं बता रहा हूँ ऐसा है। और वही है कि लास्ट 1 मंथ में आपको एकदम एग्जाम टाइप देना है प्रीवियस ईयर, आपको फुल पेपर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मेरे पास होगा मेल में, मैं आपको शेयर कर दूंगा 2014 to 2020 तक का, मैं 20 नए तो मिल ही जाएंगे आपको, नया मिलेगा 2004 से 2010 मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा आप लोग को, मैं वो शेयर कर दूंगा फुल पेपर, ठीक है, कि फुल कैसा आया था उस टाइम का। थैंक यू। और मैं एक क्वेश्चन भी ये पूछ रहा था कि यहाँ पर है डीटर का, तो ये हो गया क्वेश्चन, व्हाट आर द स्किल्स व्हिच हेल्प इन सिलेक्शन प्रोसेस। स्किल्स वही बोला ना आपको, पीएसयूज में है तो वही टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, आप अच्छा रैंक लेके जाओगे तो देखो उनको पता है कि आप अच्छा किए हो तभी वहां पहुंचे हो पीएससीयू इंटरव्यू में, उनको पता है कि आपका टेक्निकल अच्छा है, वो ज्यादा टेक्निकल पे इंफेसिस नहीं करेंगे, वो देखेंगे कि आप इस कंपनी में स्टे करोगे कि नहीं। क्योंकि मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मेरे से ज्यादा एचआर का यही सवाल था कि आप एमटेक करने के लिए यार आईएससी नहीं चले जाओगे 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, कि आप लोग को उन लोग को शो नहीं करना है कि आप, देखो आपको छोड़ने का मन हो तो छोड़ो आपका मन है, लेकिन उन लोग को लगना नहीं चाहिए कि आप
एक दो साल में ये कंपनी छोड़ दोगे। हम नॉर्मल प्लेसमेंट में बता रहा हूँ, कभी मत बोलना अगर आपका कॉलेज में जो आएंगे रिलायंस आएगा जैसे कोई भी जितने भी कोर कंपनी जाएगा, अगर वो लोग पूछेंगे गेट का तैयारी करो, बोल देना नहीं कर रहे गेट का तैयारी, हमको इसी कंपनी में मेरा टारगेट है, उनको इसी कंपनी में मुझे रहना है चाहे, क्योंकि उन लोगों को गेट के लिए बोल दोगे तो एक मन में आ जाएगा कि हाँ अगर इसका रहे। ऑफकोर्स बात है कि कोई भी स्टार्टिंग में जिसको अगर 6 लाख का पैकेज मिल रहा है तो वो ऑफकोर्स 17 लाख पैकेज ही देखेगा, 15 और 17 लाख पैकेज ही देखेगा, कोई भी पीछे नहीं हटेगा। तो उन लोगों के मन में होगा जब ये स्टे नहीं करेगा मैं तो क्यों लूं। तो मेन यही रहता है कि ट्रेनिंग में कंपनीज बहुत पैसा खर्चा करती हैं, उनको मन नहीं करता कि कोई भी मतलब छोड़ के जाए। तो यही है कि आपको ऐसा स्किल, तो वही है कि अगर आप पीएसयू में जा रहे हो तो उनको आपका टेक्निकल स्किल पहले से पता है, वो ज्यादा टेक्निकल स्किल बड़ा सब करेंगे बेसिक, और मेन उनका रहेगा फोकस कि वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको फंसाएंगे। आपको जब भी में कहना है कि मैं स्टे करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मुझसे तो ये भी बोला गया था मैं आपको अंडमान निकोबार भेज दूंगा, वो कार निकोबार नहीं मतलब कार निकोबार भी पोस्टिंग होती है लोगों की। अच्छा, कार निकोबार में 1 साल के लिए पोस्टिंग होती है, किसी के भी मतलब किसी का भी हो सकता है, वहाँ 1 साल ही रखते हैं किसी को, उससे ज्यादा कोई रह भी नहीं पाएगा वहाँ पे, कुछ नहीं है वहाँ आने जाने का, आगे पीछे सिर्फ समुद्र है सब कुछ। तो मुझे ये भी बोला गया था मैं कार निकोबार तुम चले जाओगे 1 साल कुछ नहीं रहता है वहाँ, मतलब कार निकोबार से तुमको आने के लिए पहले अंडमान आना पड़ेगा, अंडमान से फिर तुम अपने घर जा सकते हो फ्लाइट के थ्रू। तो वो सब चीज सवाल के लीडर हो तो हाँ कर दो, ऐसा जरूरी नहीं कि वो देंगे, अगर दे दिए तो वो तुम्हारा बैड लक है, 1 साल तुमको सहना पड़ेगा। लेकिन वही है उसका भी बहुत सारा फायदा होता है जो मैं अभी नहीं बता सकता, वो कभी पर्सनल जिसको पूछना हो मुझसे पूछ सकता है, उसका भी बहुत फायदा है, 1 साल रहने का भी बहुत फायदा है वहाँ पे, आपको च्वाइस पोस्टिंग मिलती है। तो वही चीजें, ये सब क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है कि क्या मतलब कि तुम रेडी कुछ भी कर लोगे, मैं यहाँ भेज दूंगा वहां भेज दूंगा, ये काम दे दूंगा वो काम दे दूंगा, सब में आप बोल दो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि हम मुझे मेरा ड्रीम कंपनी है, अगर मानो प्लेसमेंट भी मेरा ड्रीम कंपनी है, मुझे यहाँ रहना है, बस मुझे सर जॉब चाहिए, मैं बहुत ज्यादा ही फाइट किया हूँ इस जॉब के पाने के लिए, बस यही सब रखना है। एक्स्ट्रा स्किल्स कुछ पीएसयू के लिए नहीं, और अपना प्लेसमेंट के लिए तो आपको पता ही है, आप कुछ इवेंट मैनेज किए हो तो ये सब चीज होता है, क्रिकेट खेलते हो आप, क्रिकेट में कुछ जीते हो, फुटबॉल में कुछ जीते हो, तो ये सब चीज बहुत हेल्प करता है एक्स्ट्रा करिकुलम। जैसे आप कोडिंग का बोल रहे थे, एक्स्ट्रा स्किल है तो अच्छी बात है, आप कोडिंग का उनको दोगे तो हो सकता है वो इम्प्रेस हो कि कुछ आप एक्स्ट्रा किए हो अपने उससे, और हाँ करिकुलम से, और आपका CGPA अच्छा है वो अलग ही आपको फायदा देता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि एस तो देता है CGPA प्लेसमेंट इंटरव्यू में, ये इसमें कोई फायदा नहीं है बता रहा हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है PSU के इंटरव्यू में, आपका CGPA 6.5 एंड अबव है, हो सकता है आपसे पूछे कम क्यों है तो वो आपका अपना आंसर रेडी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तो बता रहा हूँ आपको फर्स्ट ईयर में 5.8 था, तो मैंने वो बढ़ाया था 5.8 से 7 के राउंड तक किया, तो मेरे पास था भी रेडीमेड, ऐसे मुझसे पूछा नहीं गया, मेरे से रेडीमेड था कि हाँ सर मैं हर एक मैंने गलती की थी फर्स्ट ईयर में, उसके बाद हर 1 साल इम्प्रूव किया, तो ऐसा कुछ आप बना सकते हो, ऐसे पूछते नहीं है वो लोग। तो मैं बता देता हूँ इंडियन ऑयल में 85% गेट स्कोर का वैल्यू है, मतलब स्कोर का मतलब वो जो 100 में आप लाइएगा, अच्छा। वो 1000 वाला नहीं, ठीक है। अच्छा। तो 85% गेट मार्क्स का वैल्यू है और 10% इंटरव्यू और 5% GD का, तो PSU के लिए कुछ नहीं एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं है। प्लेसमेंट के लिए तो हाँ भाई आपको कुछ तो एज रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों का 8 CGPA होता है, तो अब किसको वो लेगा, तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, आप मैनेजरियल एक्टिविटी, तो मैक्सिमम आजकल जॉब मैनेजरियल होता है, टेक्निकल से हम ज्यादा बता रहे हैं आपको, कुछ कुछ ही फुल्ली टेक्निकल आपको देगा, क्योंकि आप ऐसा जाओगे आयरन मानो कि आप वेदांता में ही जाते हो तो आप खुद जाके कुछ नहीं बनाओगे, वहां स्टाफ्स रहते हैं बनाने के लिए। मैं बता रहा हूँ कि खुद ही मैं इंस्पेक्ट करता हूँ टैंक, तो कुछ जैसे कि अल्ट्रासोनिक थिकनेस लेना पड़ता है तो मैं लेता हूँ खुद, लेकिन वो ग्रीस व्रीस लगाने का काम जो कपलिंग की तरह काम करता है वो मेरा नहीं होता है, वो स्टाफ करता है जो भी रहता है वहाँ पे। तो आपको मैक्सिमम टाइम अगर कुछ कास्टिंग हो रहा है, मोल्डिंग जो भी कास्टिंग इंडस्ट्री है, तो आपको जाके कास्टिंग नहीं करना है, आपको सुपरवाइज करना है उनको, आपको प्रोडक्ट क्वालिटी देखना है कि आपके अंडर सब कुछ मैनेजरियल ही होगा, तो आप मेन मैनेजरियल स्किल है आपके पास तो वो खुद ले लेंगे, और उनको पता भी चल जाएगा, वो HR इंटरव्यू इसीलिए ही लेते हैं। अच्छा, इधर एक क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी ये वाला, कि भैया डीटर में इनिशियली ज्यादा मैथमेटिकल होने के कारण पढ़ने में दिक्कत होती है, फर्स्ट चैप्टर के बाद उसके लिए इससे पहले कोई बुक फॉलो करने पड़ेगी क्या? फर्स्ट चैप्टर मेरे हिसाब से, एक मिनट मुझे डीटर देखना पड़ेगा, मैं वही बोला ना आपको जो शेयर करूंगा उसमें लिखा भी है मुझे कि कौन कौन चीज डिटर में क्या क्या चीज नहीं पढ़ना है हम लोग को।
उससे क्लियर होगा। शायद फर्स्ट चैप्टर पढ़ना, मुझे पता है फर्स्ट चैप्टर पढ़ के कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी थी डिटर। अच्छा वो मैं देख के बता दूंगा एक बार, आप उनको शेयर कर देना जिनका भी क्वेश्चन है, मैं आपको मेल करोगे तो मैं बता दूंगा आपको, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा वो। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है जिनको, ठीक है, तो एक बार कैलिस्टर में मैकेनिकल के चैप्टर्स हैं तीन, ठीक है, तो मैकेनिकल आप उनसे स्टार्टिंग में पढ़ लो अगर आपको ज्यादा हार्ड लग रहा है तो, क्योंकि कैलिस्टर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है मैकेनिकल के कुछ कुछ चैप्टर्स, वो पढ़ोगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है आज का कन्वर्सेशन का कि आपको क्या लगता है कि COVID-19 के बाद मतलब अपॉर्चुनिटीज कम होगी, गेट एस्पिरेंट्स को क्या फर्क पड़ेगा, PSUs में क्या इफेक्ट होगा, जो आप अभी अभी तो आप मार्केटिंग मतलब IOCL में है तो आपको पता ही है अभी क्या सिचुएशन हो रहा है अभी, जैसे आप बोले कि 17 लाख से 15 लाख कर दिया इनटेक अभी। नहीं नहीं वो कोविड के वजह से नहीं किया था, मैं बता रहा हूँ। अच्छा वो क्या है कि 17-15 लाख इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे जो प्रमोशन के लिए बहुत पीपल हो गए थे बीच में, ठीक है, जैसे मैनेजर टू सीनियर मैनेजर होने के लिए, तो वो कम करने के लिए क्या किया ना कि ये लोग बीच में एक पोस्ट ले आया सीनियर ऑफिसर, मतलब पहले ऑफिसर से डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर लोग बनता था, ठीक है, तो अब एक ऑफिसर से सीनियर ऑफिसर बनता है पहले। अच्छा। मैं अभी सीनियर ऑफिसर में पोस्टेड हूँ क्योंकि मेरा ऑटोमेटिकली वो प्रमोशन हो गया क्योंकि मैं पहले ज्वाइन किया था ये सब अमेंडमेंट के पहले, जो भी अमेंडमेंट हुआ है तो ऑफ कोर्स मैं आ गया। लेकिन अब क्या है ना कि अब ऑफिसर में ज्वाइन करा के सीनियर ऑफिसर कराएंगे, तो पहले जो ऑफिसर था वो कोई और नाम से था, तो उनका ये 15 लाख था सैलरी, वो शायद ये केमिस्ट्री लैब वाले जो होते हैं क्वालिटी कंट्रोल वालों का होता था उसमें, तो इसलिए कम किया है वो, क्योंकि वो थोड़ा प्रमोशन के लिए आगे जाके कम हो जाए, मतलब अपर लेवल प्रमोशन के लिए। ऐसा कुछ नहीं, कोविड से वो पहले ही डिसीजन आ चुका था कि ये हो जाएगा उसका कोविड कहने। और जहां तक अपॉर्चुनिटीज का बात है तो देखिए ऐसा नहीं है, PSU प्राइवेट का तो नहीं पता, प्राइवेट में क्या है कि आपको वो लोग के हाथ में डिसीजन है, लेकिन यहाँ पे क्या है वो सब कुछ देखना पड़ता है गवर्नमेंट का हर एक चीज। रिटायरमेंट्स बहुत होते हैं हमेशा, बता रहा हूँ, हो सकता है कि इस साल नहीं लिया तो अगले साल लेगा कि नहीं, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन बता रहा हूँ रिटायरमेंट होगा तो ऑफकोर्स रिक्रूटमेंट करेंगे ही करेंगे, तो ये सब टेंशन नहीं लेना। अभी है थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा 1-2 साल, मुझे भी पता है कोविड की वजह से हम लोग का भी कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत कंपनी लॉस में है, इंडियन वाली बहुत ज्यादा लॉस में अभी, तो वही बात है अपॉर्चुनिटीज तो थोड़ा कम होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि PSUs में, क्योंकि अब इस साल ही देखो अभी ही मैं बता रहा हूँ कोविड के चलते हुए अभी चल रहा है कोविड का प्रॉब्लम, लेकिन अभी तुरंत DRDO का रिक्रूटमेंट आया है, अब देखोगे आप लोग तो जो भी अभी फाइनल ईयर में होंगे वो पता नहीं, वो तो इस बार नहीं दे सकते हैं, लेकिन अब DRDO का तो भी रिक्रूटमेंट आया है। वही बोल रहा हूँ कि रिटायरमेंट होगा तो ऑफ कोर्स बात है कि वो क्या कहते हैं जितने प्रमोशन होंगे नीचे वाले खाली होंगे, उनको तो भरना ही है उनको, क्योंकि एक प्रॉपर वर्कफोर्स रखना है इन लोगों को तो दिखाना भी रहता है सब कुछ कि गवर्नमेंट को, यहाँ तो गवर्नमेंट कंट्रोल है, तो यही बात होती है। प्राइवेट तो है कि आपको एक लोग का काम 4 लोग से करा लेगा, वो नहीं लेगा, हो सकता है वो लोग ना ले, लेकिन यहाँ पे रिटायरमेंट होगा तो ज्यादा जितना रिटायरमेंट होगा आपको नीचे से तो भरना ही पड़ेगा सीधा। अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इसका डरिए मत, आप खुद देखिए DRDO ले रहा है बहुत ज्यादा, मतलब अभी 10 सीट निकाला है मेटलर्जी का, अभी ऐसा सिचुएशन होते हुए निकाल रहा है, तो वही बात है। PSU में हमको नहीं लगता है कि ऐसा होगा, प्राइवेट का मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन वही है कि देखिए अब क्या होता है। प्राइवेट का मेरे हिसाब से प्राइवेट में भी ऐसा नहीं होगा, लोग छोड़ेंगे तो ऑफ कोर्स उनको जरूरत तो पड़ेगी इन लोगों की, सीधा बात है। तो उतना टेंशन नहीं लीजिए कोविड का, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप लोग। उतना समझ रहा हूँ कि किसी, मैं भी इस सिचुएशन में रहता तो सोचता मानो कि अब इसी साल देख लो कि गेट 2020 में जो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लाया होगा या टॉप 10 में आया होगा उसका इंटरव्यू नहीं हो रहा है, PSU टारगेट किया होगा, उसको कैसा लग रहा हो। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत इश्यूज हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो आपको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन आप लोग के लिए जो भी अभी थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में ये सब सोचिएगा तो और डिप्रेस होइएगा, ये सब सोचने से कुछ नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। निगेटिव सोचना ही नहीं है, आप पॉजिटिव लेके चलो, आप अपना बेस्ट दो, आप अपना रैंक लाओ, निकलेगा तो अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो आप बस मन में रहेगा कि आप अपना ट्राई दिए, कि आप अपना बेस्ट दिए, बस ये चीज रखो, आपको बेस्ट देना है, बाकी सब छोड़ दो। मैं बता रहा हूँ हर साल कुछ ना कुछ PSU तो आता ही है, आप टॉप 10 में आओगे तो PSU मिलेगा ही मिलेगा। पिछले बार इस सेल में बता रहा हूँ मेरे टाइम अराउंड 90 सीट्स आया था, 90 बहुत होता है उस टाइम, तो आप ऑल इंडिया रैंक 50-60 भी लाए होगे तो वो लोग का हो गया था आराम से। तो वही बात है ना, वो डिपेंड करता है ईयर टू ईयर, अगर आपका सेल में सेल भी बहुत अच्छी है, क्या कहते हैं थोड़ा लॉस में है लेकिन अभी बहुत रिकवर कर रहा है, वो भी PSU है,
उसका तो हर जगह है, तो ऐसा नहीं सोचना है, आपको अपना बेस्ट देना है, बाकी जो होगा तो आप कुछ आपके हाथ में जो चीज नहीं है आप वो कुछ कर ही नहीं सकते, सीधा बात, आप अपना बेस्ट दीजिए आप जिस फील्ड में दे सकते हैं। थैंक यू भैया आप ज्वाइन किए, हम लोग इतना कुछ बताया, थैंक यू।